हेलो एवरीवन, आज मैं आपको कंपैरिजन बिटवीन ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। द चेंज इन आउटपुट सिस्टम कांट बी करेक्टेड एंड दैट इज ओपन लूप सिस्टम में अगर कोई चेंज हो रहा है आउटपुट में तो उसे करेक्ट नहीं कर सकते हैं। वही इन क्लोज लूप सिस्टम में आउटपुट में चेंज कुछ भी हो तो उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। ओपन लूप सिस्टम में सेंसर अवेलेबल नहीं होता है और क्लोज लूप सिस्टम में सेंसर अवेलेबल होता है। इट इज़ नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम इज़ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। द एक्यूरेसी ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज ऑन द कैलिब्रेशन ऑफ इनपुट एनी डिपार्ट फ्रॉम द प्री डिटरमाइंड कैलिब्रेशन ऑफसेट ऑफ द अफेक्ट ऑफ द आउटपुट। डैट मीन्स एक्यूरेसी जो है कंट्रोल सिस्टम की, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की डिपेंड करता है कैलिब्रेशन ऑफ इनपुट के, और एनी चेंजेज इन डिटरमाइंड कैलिब्रेशन इफेक्ट पड़ता है आउटपुट पे हमारा डायरेक्टली। और क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है कि मोर एक्यूरेसी होता है और एनी एरर डिफाइंड होता है तो वो हमें फीडबैक के द्वारा मेजर कर सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। और ओपन लूप सिस्टम जनरली स्टेबल होता है, और अगर अनस्टेबल हो जाए तो इसे स्टेबलाइज करना पॉसिबल नहीं है। एंड फीडबैक के कारण क्लोज लूप सिस्टम जो है अगर अनस्टेबल हो जाए तो उसे स्टेबलाइज कर सकते हैं। मोर सेंसिटिव फॉर पैरामीटर वेरिएशन, डैट इज ओपन लूप सिस्टम जो है हमारे डायरेक्ट कनेक्टेड होता है तो इसलिए ये मोर सेंसिटिव होता है। एंड जहाँ जबकि क्लोज लूप सिस्टम जो है इंटरैक्ट कनेक्टेड होता है तो ये लेस सेंसिटिव होता है। एंड ओपन लूप सिस्टम जो होता है सिंपल होता है और इकोनॉमिक होता है। डैट इज सिंपल, इसका कंस्ट्रक्शन होते हैं या जो भी सर्किट, और इकोनॉमिक होता है मतलब लो कॉस्ट होती है। एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है और कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन जो डिफिकल्ट होती है और डिफरेंट डिवाइसेस लगे रहते हैं कैलिब्रेशन फीडबैक, तो इसकी कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाती है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।